हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो इन लास्ट ऑनलाइन सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि आंखें हमारे बॉडी का इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट सो टॉपिक वी हैव लेफ्ट इन लास्ट ऑनलाइन सेशन वाज़ 16.8 पॉइंट एट केयर ऑफ द आईज हमारी आंखों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है सो वी विल डिस्कस इट Care of the eyes. It is necessary that you take proper care of your eyes. ये जरूरी है कि आप अपनी आँखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें If there is any problem, you should go to an eye specialist. अगर आपको आँख को लेके कोई भी छोटी या बड़ी तकलीफ है तो आपको बिना उसको अवॉइड किए तुरंत ही आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए Have a रेगुलर चेकअप यहां तक कि आपको रेगुलरली मतलब छह महीने में एक बार या महीने में एक बार सालाना एक बार अपनी आंखों का चेकअप करवाना ही चाहिए इफ एडवाइज यूज सुटेबल अगर स्पेक्टिकल्स uh, अगर डॉक्टर एडवाइज करता है कि आपकी आंखों में नंबर है तो उसके कहे मुताबिक आपको चश्मे भी रेगुलरली पहनने चाहिए टू लिटल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइस बहुत कम रोशनी या बहुत ज्यादा रोशनी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है इनसफिशियंट लाइट आई स्ट्रेन एंड रोशनी में जब आप कोई काम करते हो तो उससे आई स्ट्रेन मतलब आंखें खींचती है और हेडेक भी हो सकता है टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ अ सन हद से ज्यादा रोशनी जैसे कि सूरज की रोशनी पावरफुल लैंप जरूरत नहीं है फिर भी ज्यादा रोशनी और अ लेजर टॉर्च या फिर लेजर लाइट की रोशनी कैन इंजर द रेटिना उससे आपकी आँख का रेटिना खराब हो सकता है और रेटिना खराब होना मतलब पर्दा खराब होना पर्दा खराब होना मतलब दो टाइप के सेल्स थे रॉड सेल्स और कॉन सेल्स वो दोनों अगर खराब हो गए तो आपको आंखों की प्रॉब्लम होनी ही होनी है डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली अपनी आँखों से सीधा सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए या फिर पावरफुल लाइट जैसे कि वेडिंग लाइट को कभी नहीं देखना चाहिए मस्ती मजाक में लेजर लाइट भी आंखों पे नहीं डालना चाहिए मोबाइल के फ्लैश के साथ भी नहीं खेलना चाहिए इन सब से आँखों को परमानेंट नुकसान हो सकता है नेवर योर और बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक कि बड़ों को भी आदत होती है अपनी आँखों को मसलने की तो ये अगर आप आँखों को आप लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली मसलते रहोगे ना तो उससे भी आँखों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ़ पार्टिकल्स डस्ट गो इन टू योर आइस वॉश योर आइस विद द क्लीन वाटर आप कभी बहुत सारे लोग डिबेट भी करते हैं कि सर आँखों में कचरा चला गया तो तो हमें तो आँखें मसल नहीं पड़ेगी पर अगर वो कचरा सॉलिड हुआ फॉर एग्जाम्पल रेत छोटी सी रेत का पार्टिकल आपकी आँख के अंदर चला गया और अगर आप उसको रब करते हो अपने हाथों से तो आपका जो लेंस है आंखों का उसको आप स्क्रैच कर रहे हो स्क्रैच करने का मतलब है आईने पे कोई नुकीली चीज जैसे स्क्रैच करते हो तो आईने को जितना नुकसान पहुंचता पहुंचता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपके आंख के लेंस को पड़ेगा तो जब भी कभी आंख पे कोई भी कचरा जाए या कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाए बिना आंखों को खोल बंद किए हुए आपको सीधे उसको सिर्फ और सिर्फ पानी से ना गर्म ना ठंडा पानी से अपने आंखों पर छिड़कना है जिससे आपकी आंखें साफ हो जाएगी और फिर भी नहीं हो रहा तो आप खुद कुछ मत कीजिए आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए पैसे बचाने के चक्कर में आंख चली जाएगी इफ देर इज नो इंप्रूवमेंट गो टू डॉक्टर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन ऑलवेज जो चीज खुद लाइट एमिट नहीं कर रही है उसको ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डिस्टेंस तक रख के ही पड़े ना ज्यादा क्लोज ना ज्यादा दूर डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार जरूरत से ज्यादा किताबों को आंख के खूब ज्यादा ला के नजदीक लाके नहीं पढ़ना चाहिए ना ही ज्यादा दूर रख के पढ़ना चाहिए डिड यू नो ये फैक्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसीलिए मैंने इसको कवर करने के लिए सोचा है और ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें जो टेक्स्ट बुक में दी गई है सभी को मैं कवर करता सो so, के बारे में है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सो एनिमल्स हैव है इससे पहले इसमें जो चीज नहीं लिखी वो मैं बता देता हूँ क्या आपको पता है जो डॉग्स होते हैं कुत्ते वो सिर्फ ब्लैक और वाइट ही देख पाते हैं उनके कोन्स जो होते हैं आंखों में वो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते दैट मीन्स uh, जो डॉग्स होते हैं पैट कुत्ते होते हैं वो सालों से दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे हैं सो so ये भी एक इंटरेस्टिंग थी मैंने सोचा आपको बता दूं। एनिमल है एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन अ डिफरेंट वेस हर एनिमल की जीव जंतु बोलो प्राणी बोलो सारे चीजों सभी सार की आंखें अलग अलग होती है आईस ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल

तो आप उससे आगे पीछे हर जगह देख सकते हो ऐसे घुमा के यस yes, और no, नीचे ऊपर तो केकड़े की आंखें भी कुछ ऐसी ही होती है तो वो 360 देख सकता है सो द क्रैप कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड तो इसकी वजह से कुछ पंछी होते हैं जिनका फेवरेट फूड केकड़ा होता है तो जब वो पंछी ऊपर से उड़ता हुआ आता है फिर भी केकड़ा उसको देख लेता है क्योंकि उसकी नजर हर जगह है ही इज लाइक अ गॉड मैं हर जगह देख रहा हूँ सो द क्रैप इन एनीवे अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड अगर पीछे से पकड़ेगा फिर भी वो देख सकता है पर वो देख सकता है बटरफ्लाईज है लार्ज आइज दैट सेम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटल लिटल आइस बटरफ्लाई जो होती है पतंगे जो होते हैं उनकी आंखें जितनी छोटी आपको दिखती है उससे कहीं ज़्यादा तेज होती है क्योंकि उनकी एक आंख के पार्ट में हजारों दूसरी आंखें होती हैं उसको मैंने एक फिगर भी यहाँ पे ली है हाँ ये एक पतंगा है उसकी आंखें अगर आप जूम करके देखो मैक्रोलेंस के साथ अगर उसको जूम करोगे तो ऐसा आपको ऐसी बहुत सारी आंखें दिखाई देगी तो जो पतंगे होते हैं वो एक सर्वे के हिसाब से हमसे कहीं ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं हम तकरीबन पंद्रह बीस कलर आइडेंटिफाई कर पाते होंगे फीमेल्स लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर्स कम देख पाती हैं क्योंकि उनके कौनस बड़े होते हैं आँखों के जो कौन सेंस कौन सेल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो कलर ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकती है पतंगे तुमसे हमसे सभी से बहुत ज्यादा कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उनके लिए तो अलग ही दुनिया है जो हम दुनिया देख रहे हैं वो तो कहीं ज्यादा एडवांस कलर की दुनिया वो देख रहे हैं मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटल आइज तो पतंग भले कितना ही छोटा हो ऊपर उन, उनके पास हजारों की तादाद में आंखें होती है कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट ऑफ द आईज बट ऑल्सो बैक एज वेल वो सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी देख पाते हैं अ नाइट बर्ड आउल रात में घूमने वाला पंख पक्षी आ, आउल उल्लू कैन सी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे वो रात में बहुत सटीक तरीके से देख पाता है पर दिन में नहीं आप ही सोच के बताओ ऐसा क्यों क्योंकि रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं याद करो एक था कौन सेल और एक था रॉड सेल मैंने बताया था कि कौन सेल ज्यादा रोशनी में काम करता है और रॉड सेल कम रोशनी में काम करता है क्योंकि वो कम रोशनी को ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास रॉड सेल्स ज्यादा है कौन सेल्स कम है यस और नो यस तो देखते हैं ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ पे डे लाइट बर्ड्स काइट एंड ईगल जो दिन में घूमने वाले पंखी है काइट और ईगल काइट uh, मतलब चलिए छोड़िए ईगल समड़ी बोलते हैं उसको जो हवा में ऊपर तक उड़ते हैं बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं आ, तो वो आ, दिन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं बट नाइट में वो अंधे टाइप हो जाते हैं ज्यादा नहीं देख पाते तो ये जो काइट और ईगल है वो दिन में शिकार करते हैं जबकि उल्लू जो होता है आउल वो रात को शिकार करता है द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज प्यूपिल टू अलो मोर लाइट इन इट्स आई आउल के पास बहुत बड़ी बड़ी आँखें और बहुत बड़ी प्यूपिल उसकी आँखें आप देखोगे बीच में प्यूपिल जो देखोगे डार्क सर्कल होता है वो ब्लैक कलर का वो बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से ज्यादा रोशनी उसकी आँखों में जाती है और वो अंधेरे में बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है ऑल्सो इट हैज ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना यहाँ पर आ गया ना उसके ऊपर उसके रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादातर सेल्स रॉड सेल्स होते हैं एंड ओनली फ्यू कॉन्स और बहुत ही कम कॉर्न सेल्स होते हैं उसी की वजह से द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉर्स एंड फ्यूअर रॉड्स और जो दिन में शिकार करने वाले पंखी हैं उनके पास कौन सेल्स ज़्यादा होते हैं और रॉड सेल्स कम होते हैं जिसकी वजह से वो दिन में अच्छा देख पाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आँखों के बारे में हमें एनिमल्स को ज़्यादा एडवांस बनाती हैं इंसानों से यस और नो यस इसके अलावा फेक uh, आइस भी एनिमल रखते हैं मतलब नकली आँख फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बटरफ्लाई है तो उनके जो पंख है उसके ऊपर देखिए आपको ऐसे होल्स दिखाई देंगे तो जब भी कोई शिकारी बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि ये उसकी ओरिजिनल आंखें हैं जिसकी वजह से वो टाइम लेता है और तब तक पतंगे को उड़ने का वक्त मिल जाता है तो ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी होता है आ, पतंगे के अलावा जो शेर होता है शेर के कान के पास भी फेक आइस होती है जिसकी वजह से आ, हमें जब वो पानी पी रहा होता है तब हमें लगता है कि उसकी आंखें ऊपर है बल्कि वो ऊपर होती नहीं तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं आपको भी कोई पता हो जिसके पास फेक आइज हो या आंख के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यू लर्न अबाउट इन क्लास स्टैंडर्ड में बैलेंस uh, डाइट मतलब uh, सर्वांगी आहार अच्छा खाना के बारे में पढ़ चुके हो इफ फूड इज डिफिशियंट इन सम्पोनेंट्स आइस में ऑल्सो सफर अगर खाना आपका ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से आँखों को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा लेक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स खाने में विटामिन ए की कमी होने से बहुत सारी आंखों की तकलीफें हो सकती है मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट दैम अमोंग डैम इज नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादातर उनमें से प्रॉब्लम होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में दिखाई ना दे रहा आप बोलोगे सर अंधेरे में कहाँ दिखाई देता है बट एक्चुअली हमारी आंखें उतनी कैपे आ, मतलब क्षमता उनकी है कि वो अंधेरे में भी देख पाए अगर आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे हो तो आपकी विटामिन ए कम है आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो या वैसा खाना नहीं खा रहे हो जिसमें विटामिन ए होता है तो किन में होता है विटामिन ए वो भी देख लेंगे वन शुड देर फोर इंक्लूड इन द डाइट कॉम्पोनेंट्स विच हैव विटामिन ए अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ें लेने की जरूरत है जो विटामिन ए आपको देगी रॉ कैरेट्स मतलब कैरेट्स uh, अरे इसको क्या बोल गाजर हाँ रॉ गाजर मतलब बॉयल नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है सब्जी नहीं बनाई रॉ कैरेट जैसे बाजार में मिलता है उसको कच्चा खा जाना उसमें विटामिन ए होता है ब्रोकली जो हरी सब्जी आती है उसमें होता है ग्रीन वेजिटेबल्स पत्ते वाली जितनी सब्जी होती है उनमें विटामिन ए काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है सच एस पीनेच पालक में बहुत अच्छे तरीके से विटामिन ए होता है बट जहाँ तक मुझे पता है टीनेज वाले बच्चों को हरी सब्जियाँ पसंद नहीं आती टीनेज मतलब आप सभी को फॉर एग्जाम्पल तेरह साल से लेके अठारह उन्नीस साल तक हरी सब्जियों से आपको एलर्जी सी हो जाती है वो आपकी गलती नहीं है आपके हॉर्मोन्स की गलती है कि आपको टेस्टी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड कोड लिवर ऑयल इसको मैं हिंदी में बताऊँ तो मछली का तेल उससे भी काफ़ी रिच बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है और कौन सी चीज़ है जिससे विटामिन ए मिलता है एग्स अंडे से विटामिन ए मिलता है दूध से मिलता है कर्ड दही से मिलता है चीज़ मतलब बटर फ्रूट जेस्ट पपैया पपया में भी विटामिन ए होता है मैंगो आम में भी होता है ऑल्सो रिच इन विटामिन ए ये सारी चीज़ें दूध के सारे प्रोडक्ट हो गए और फ्रूट में पपैया मैंगो हो गया इसमें भी बहुत सारे विटामिन ए की भरपूर मात्रा आपको होगी तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको अपनी आँखें प्यारी है तो सिक्सटीन पॉइंट नाइन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट इसको हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में टिल देन रिवाइज करते रहिए आंखों के बारे में कोई ऐसा फैक्ट है जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम सभी जान पाए सो टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच